जो लोग अभी राजनीतिक सत्ता में है वो लोग भी हम लोगों से आकर के कहते हैं बाबू तोहनी के तो बड़ी बढ़िया आंदोलन हो, साथ तो दबो लेकिन आगू में ना है वो, नहीं तो हमने भी नाम चल जाए तो केस मुकदमा में। इसका मतलब कि अंदर अंदर करंट दौड़ चुका है और ये करंट अब झारखंड को बदल कर रख देगा। ये करंट अब झारखंड में एक नया इतिहास मेरा है, बारी मेरा है, सब्जी मेरा है तो हम लगान तुमको क्यों देंगे। तो 1767 ईस्वी में जब आंदोलन हुआ ढाल विद्रोह इसलिए भेल कि हमने जल जंगल जमीन के छोटा सा बालू बेचने जाते हैं तो आपको सीओ पकड़ लेता है, थानेदार पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ हजारों करोड़ की कोयला की तस्करी होती है, वहां पर हजारों करोड़ लोग टेबल के नीचे पहुंचा देते हैं तो उसमें उन लोगों को कुछ नहीं होता है। और ये जो जितने तस्कर है, जो जितने माफिया है, ये झारखंड के माटी के लोग नहीं है, ये दूसरे राज्यों से आकर के हमारे राज्य को लूट रहे हैं। इसलिए आपको ये 7 दिन पहले अभी वैकेंसी भेलो, अगर मैं 13 गो में 9 गो बाहर के लोग के नौकरी भेज गलो, गिरिडीह में 12 गो नौकरी भेलो, अगर मैं 8 गो बाहर के लोग के भेज गलो, पलामू में 37 गो टीचर के वैकेंसी हलो, अगर मैं 35 गो बाहर के लोग के भेज गलो, तो पूर्वी सिंहभूम में 26 गो टीचर के वैकेंसी भेलो, अगर मैं 21 गो बाहर के लोग। 24 की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। एक तरफ कोयला माफिया होंगे, एक तरफ लोहा माफिया होंगे, एक तरफ लुटेरे होंगे, एक तरफ ISIPS की फौज होगी और एक तरफ ऊपर घाट जैसे किसान मजदूरों की फौज होगी, झारखंडियों की फौज होगी। ये लड़ाई देखिए, क्या किसी को 1 रुपया मिला है? हाथ उठा करके बोलिए नहीं मिला है। ये देखिए मीडिया के साथियों, ये सबूत है साफ तौर पर कि ये आंदोलन झारखंड के जन जन लोगों ने खड़ा किया। एक एक व्यक्ति ने सभा कराने का पैसा कहां से लाते हो तुम लोग? मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या इस सभा में आप लोगों ने मदद नहीं किया है? मदद किया है ना? इस सभा कैसे सफल हो रही है? आप लोगों के मदद से सफल हो रही है। एक बात लोग कहते हैं कि जरा भीड़ में कभी पूछ करके दिखाइए कि क्या पैसे से भीड़ लाते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को 1 रुपया का कोई सिक्का दिया गया है? जरा हाथ उठाकर मीडिया को दिखाइए। मीडिया के साथियों देखिए, क्या किसी को 1 रुपया मिला है? हाथ उठाकर के बोलिए नहीं मिला है। ये देखिए मीडिया के साथियों, ये सबूत है साफ तौर पर कि ये आंदोलन झारखंड के जन जन लोगों ने खड़ा किया, एक एक व्यक्ति ने खड़ा किया है। 2024 की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। एक तरफ कोयला माफिया होंगे, एक तरफ लोहा माफिया होंगे, एक तरफ लुटेरे होंगे, एक तरफ ISIPS की फौज होगी और एक तरफ ऊपर घाट जैसे किसान मजदूरों की फौज होगी, झारखंडियों की फौज होगी। ये लड़ाई होने जा रही है और इस लड़ाई को सबको मिलकर के जीतना होगा, नहीं तो ये झारखंड फिर से ऐसे लोगों के हाथों में चला जाएगा जो झारखंड को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर साइकिल से कोई हमारे गांव घर के लोग छोटा सा कोयला बेचते हैं तो उन पर केस मुकदमा कर दिया जाता है, लेकिन इन लोगों को, नौकरशाहों को, ISIPS को, यहाँ के नेताओं को शर्म नहीं आता कि धनबाद की धरती से कोयला निकलता है, बनारस की धरती तक जाता है और रास्ते में जितने थाने पड़ते हैं उसके थाना के प्रभारी को, DSP को, SP को, DC को और जिला के खनन पदाधिकारी को पैसा पहुंचता है कि नहीं, खुलेआम ये बात कहना चाहता हूं। और इन लोगों को ये सबक सिखाना होगा और इन लोगों को ये बताना होगा कि अगर झारखंड में बालू निकलेगा तो उसका अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर पत्थर निकल रहा है तो उसका लीज झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर कोई टेंडर निकल रहा है तो उसका अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर कोयले का ही व्यापार है तो उसमें झारखंडियों का अधिकार मिलना चाहिए, अगर अवरक का ही कारोबार है तो उसमें झारखंडियों का अधिकार मिलना चाहिए। और ये बात हम लोग सब भी हमेशा कहते रहे हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा की भी ताकत को समझना होगा और गांव में सरकार की ताकत को लेकर के आना होगा। और जब तक गांव के भीतर सरकार की शक्ति नहीं आएगी, जब तक गांव के भीतर सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये झारखंडियों का कल्याण नहीं हो सकता है। आप एक ट्रैक्टर में छोटा सा बालू बेचने जाते हैं तो आपको सीओ पकड़ लेता है, थानेदार पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ हजारों करोड़ की कोयला की तस्करी होती है, वहां पर हजारों करोड़ लोग टेबल के नीचे पहुंचा देते हैं तो उसमें उन लोगों को कुछ नहीं होता है। और ये जो जितने तस्कर है, जो जितने माफिया है, ये झारखंड के माटी के लोग नहीं है, ये दूसरे राज्यों से आकर के हमारे राज्य को लूट रहे हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा
कि आपके लोग ना शासन व्यवस्था में है, आपके लोग ना कानून व्यवस्था में है, आपके लोग ना जज है, आपके लोग ना अफसर है, आपके लोग जो भी नेता मंत्री बने वो भी लूटखंड के भागीदार बन गए। ऐसे में आपके समक्ष एक ही रास्ता बचता है कि अपने माटी से नेता बनाओ, अपने माटी से ऐसा नेता बनाओ जिसे कान खींच कर कह सको कि ये काम करो नहीं तो तुम्हें भी बेदखल कर देंगे। ऐसा नेता आपको अपने माटी से बनाना होगा। और ये बात आप लोगों के जेहन में अंत में डाल देना चाहता हूं कि ये झारखंड की लड़ाई पूरे देश के लोग देख रहे हैं, लेकिन ये झारखंडियों का दुर्भाग्य है कि हमारे आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो कोयला के माफिया बैठे हुए हैं उन दोनों में भी सांठगांठ चलता रहता है। इसलिए अगर बिहार में रेल रोकते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, मणिपुर में कुछ होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, बंगाल में कुछ होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, लेकिन झारखंड में लाखों लाखों का जन सैलाब उमड़ता है, यहाँ पर आम आवाम आकर के आंदोलन करती है, लेकिन हमारे आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया ये जानता है कि जिस दिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना देंगे, जिस दिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया में दिखा देंगे, यहाँ पर कोयला माफियाओं की चूल्हे हिलने लगेगी, और इसी डर से झारखंड के इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बनने दिया जा रहा है। इसका मतलब कि हमारे लोग ना मीडिया में है, ना शासन व्यवस्था में है, ना पुलिस व्यवस्था में है, हमारे लोग BDO CEO DSP भी कम है, हमारे लोग DC SP भी कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही रास्ता बचता है लड़ाई का, संघर्ष का, लड़ने का, और अगर इस लड़ाई के जज्बे को हम लोग अगर कायम नहीं रखते हैं, अगर लड़ना छोड़ देते हैं, तो झारखंड के भीतर ये लड़ाई पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगी। और तमाम लोगों पर FIR किया गया, टाइगर जयराम महतो जी पर लगातार FIR किए गए, मोती जी पर लगातार FIR किया गया, हमारे ऊपर लगातार FIR किया गया, तमाम साथियों पर लगातार FIR किया गया, लेकिन हम लोगों ने ये कह दिया है कि ये हौसले की लड़ाई है, जज्बे की लड़ाई है, ये संघर्ष के बुनियाद पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और पुलिस के FIR से 144 के धारा लगाने से, 353 की धारा लगाने से, केस मुकदमा करने से ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा, ये हम लोगों ने चुनौती पेश कर दिया है। और अगर तमाम थाना के यहाँ पर पदाधिकारी होंगे, थाना के पदाधिकारी, आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आज आप पुलिस बने हैं, दारोगा बने हैं, और अगर झारखंडी माटी से हैं, तो आने वाले भविष्य में आपके बेटा को भी अगर दारोगा बनाने के सपना है, अपने बेटा को दारोगा बनाना चाहते हैं, तो अंदर अंदर से इस लड़ाई को साथ देना होगा। और तमाम प्रशासन के लोगों को मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने झारखंडी माटी के अफसर हैं, पुलिस हैं, पदाधिकारी हैं, सब इस आंदोलन को समर्थन दीजिए। और एक बहुत आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ, किस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिल रहा है, जो लोग अभी राजनीतिक सत्ता में है वो लोग भी हम लोगों से आकर के कहते हैं, बाबू तोहनी के तो बड़ी बढ़िया आंदोलन हो, साथ तो दबो, लेकिन आगू में ना आएवो, नहीं तो हमनिक भी नाम चलिए तो केस मुकदमा में। इसका मतलब कि अंदर अंदर करंट दौड़ चुका है, और ये करंट अब झारखंड को बदल कर रख देगा, ये करंट अब झारखंड में एक नया इतिहास लाएगा, ये करंट अब झारखंड की राजनीति को बदल कर रख देगा। और तमाम नेताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ और ये चुनौती पेश करना चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई सभा करिए, हम लोग भी कोई सभा करते हैं, और झारखंडी माटी के लोगों को आह्वान करते हैं कि आइए झारखंड की माटी को बचाने की एक लड़ाई लड़ते हैं, देखते हैं कौन लोग सामने आता है। एक तरफ होंगे प्रश्न पत्र लीक करने वाले, एक तरफ होंगे जो लोग JTET की परीक्षा नहीं करा रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग करा रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो 70 लाख का क्रिकेट खेलते हैं, और एक तरफ वो लोग होगा जो हल का जुआठ लेकर के खेत में खेती कर रहा है, जो ट्रैक्टर पर पुआल लोद रहा है, जो यहाँ पर खेतों में किसानी कर रहा है। ये दो लोगों के बीच की लड़ाई है। सीधे तौर पर यही समझिए कि एक तरफ बड़े नेताओं की फौज, एक तरफ झारखंड के नौजवानों की फौज है, और इस फौज को आप लोगों का साथ चाहिए, इस फौज को आप लोगों का समर्थन चाहिए। आइए मिलकर झारखंड को बचाते हैं, झारखंड की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और जो बार बार ये बात कही जा रही है कि इस इनकलाब को आगे बढ़ाते हैं, नौजवानों से उठने का आह्वान करते हैं, चाची दीदी साहब तोहनी से भी ये आह्वान करो यो कि जे तवा पर रोटी बेलो हा, जे हम इन धान उसो हा, जे घर में हम इन चावल बनो हा, भात बनो हा, वो हमनी के खेत से आओ है, और हमनी के खेत पर जाकर के कोयला के खदान, अबरक के खदान, लोहा के खदान, ये सब लगा दवल जाए। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि 26,000 करोड़ रुपया और 135 करोड़ रुपया झारखंड में इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा कि यहाँ के आदिवासियों का कल्याण करिए,
लेकिन यहाँ के आदिवासियों का कल्याण नहीं करने के बजाय सरकार ने उस पैसा को दे दिया सीसीएल को, दे दिया एमसीएल को कि जा करके खोद खोद करके पता करिए कि और कहां पर कोयला निकल सकता है। जो पैसा देना था आदिवासियों को उससे और जमीन खोदने में ये लोग पैसा लगाने लगे। इसलिए झारखंड का चार बहुत बड़ा मसला है, बता रहा हूं लास्ट में अंतिम में। स्थानीय नीति की लड़ाई जेहन में डाल लीजिए, नियोजन नीति की लड़ाई जेहन में डाल लीजिए और झारखंड की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता, मतलब 90% नौकरी थर्ड और फोर्थ ग्रेड की झारखंड के लोगों को मिले। और एक बहुत बड़ी बात, बिहार में 75% का आरक्षण लागू हुआ लेकिन झारखंड में भी 73% का आरक्षण लागू करने की बात कही गई। झारखंड में भी कहा गया कि ओबीसी का आरक्षण 27% होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और आदिवासी समाज के भी लोग बहुत मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है ऊपर घाट में यहाँ पर भी आदिवासी समाज के लोग होंगे, एक बहुत बड़ी मांग उनकी भी है। 17 करोड़ आदिवासी इस देश में है, 17 करोड़ आदिवासियों ने एक स्वर में कहा है और रांची के मोराबादी में भी इस बात का आंदोलन हुआ कि इस देश में अगर सभी धर्मों का अपना धर्म कोड है तो आदिवासियों को भी सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। और सरना धर्म कोड की ये लड़ाई आदिवासियों की लड़ाई है, इस लड़ाई के साथ हम लोग भी साथ रहेंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ कि चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे एससी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अकलियत समाज के लोग हो, और तमाम लोग इस संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। कई लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों के पास चेहरा नहीं है, सामने देखिए सानिया परवीन है, हमारे महासचिव फरजान खान है, हमारे मोती जी हैं, मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, हमारे सामने महेंद्र जी हैं और तमाम ऐसे साथी हैं जो लगातार संगठन में जुड़ रहे हैं। और ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि संगठन के भीतर सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी समुदायों का एक तरीके से एक माला बना है और एक घर बना है। ये जेबीके से कोई दल नहीं, ये संगठन नहीं, ये एक परिवार है और ये परिवार मिलकर झारखंड को बचाने की लड़ाई लड़ेगा, ये परिवार मिलकर के झारखंड को बचाने के लिए रास्ते पर संघर्ष करेगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को बचाने का संघर्ष करते हैं, कदम ताल करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंडी जोहार, जय जोहार। क्या साथ मिल रहा है? एक बार जोर से बोले जय झारखंड, जय झारखंड, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भैया पीछे वाले आप लोग साथ नहीं है क्या? जोर से बोले इनकलाब जिंदाबाद। चले बिरसा मुंडा की इस धरती को, शेख भिखारी की इस धरती को, सिद्धू कानू की इस धरती को, नीलांबर पीताम्बर की इस धरती को, विनोद बाबू के इस धरती को, शिबू सोरेन की इस धरती को मिलकर के बचाएंगे। और किसी भी मोर्चे पर जहां पर भी जाना होगा, जिससे भी लड़ना होगा, जहां भी टकराना होगा, लाठी और गोली खाना होगा, ये जेबी केसेस के योद्धा तैयार रहेंगे और लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन झारखंड के स्वाभिमान से समझौता नहीं होने देंगे, ये भरोसा आपको दिला रहे हैं। इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, ये भरोसा आपको दिला रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार, जय झारखंड। लड़ाई लगे हमने के पहचान के, जैसे हमार नाम मोतीलाल महतो लगे, महतो मोतीलाल महतो की लगे, हमार पहचान लगे। अगर मोतीलाल महतो हमार नाम ना रहते की करते, कि गोरखा छोड़ा लगे जो अंग्रेज नीर देखा से नहीं करते से लड़ाई लगो हमने के पहचान में। अच्छा तो आधार कार्ड क्यों बनवा? आधार कार्ड इसलिए बनवा कि तूने बोकारो जिला के गुनियाटो पंचायत के निवासी लगे, तूने वोटर कार्ड इसलिए बनवा है कि तूने मतदाता लगे, मतदान कर सको। इतने तो कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड से अपनी पहचान भते कि झारखंडी के लगे नहीं भते। जैसे तो महाराष्ट्र जिब है तो हुआ पहचान है कि मराठी के लगे, जब तो गुजरात जिब है तो हुआ पहचान है कि गुजराती के लगे, जब तो बिहार जिब है तो हुआ पहचान है कि बिहारी के लगे, जब तो बंगाल जिब है तो हुआ पहचान है कि बंगाली के लगे, लेकिन जब झारखंड तो है तो यहाँ पहचाने ना हो कि झारखंडी के लगे। अब यहाँ करा अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड हमने के अगर पहचान बने लग लगे तो जो महाराष्ट्र से आल है ओकरा पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो कि वो झारखंडी बजते, जो गुजरात से आल है ओकरा पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो कि वो झारखंडी बजते, जो बिहार से आल है ओकरा पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो कि वो झारखंडी बजते, जो बंगाल से आल है ओकरा पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो कि झारखंडी बजते, और जो बांग्लादेश से भी आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड है कि झारखंडी बहते नहीं बहते, झारखंडी के बहते जकर हाथ है खतियान, खतियान की लगाओ इटा तो नहीं के बुझे हो तो। आज हमने कर ले हमने पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, एहटा को है ना। देखिए हमने के जो झारखंड में खतियान बन लो ऐसे ना बन ले,
हमने पुरखे हमने पूर्वज में जमीन बनेलक ना, जमीन में पहले कौन चल है, गड़ा हल है, नाला हल है, जंगल हल है, खूंट हल है, झाड़ी हल है, ओकरा जे साफ करके जे खेती करे लायक बनेलक वह जमीन लगो हमने के, जकरा चार भागों में बांटल गल है, जेटा हमने कोड़ के बनेले ओकरा कहल गेलै कोड़कर जमीन, जेटा हमने गढ़ा नाला साफ करले खुटकट्टी करले ओकरा कहल गेलै खुटकट्टी जमीन, मुंडारी जमीन जे मुंडा सब बनेलथिन ओकरा कहल गेलै मुंडारी जमीन। उस तरह से हमने बंद खेता हो, भूत खेता हो, बहुत सारा जमीन है, तो हमने पूर्वज की करेला कढ़ा करो ले और खेती करे लायक बनवो ले। तो जब अंग्रेज यह 1767 ईस्वी में जब झारखंड में प्रवेश करल थे तो अपने के कमाई के साधन में तखन कोयला तो हलो नहीं, तांबा तो हलो नहीं, तो की देख लो, जमीन देख लो, और जमीन में टैक्स लगवे के काम कर लो, लगान लगवे के काम कर लो। अब बतावा तोर खेतवा लगो, तोर बरिया लगो, और मान लिया रुपये 1 रुपया किलो के, तो आलू जुए जगह 100 रुपया के किलो मतलब हो गलो, मतलब 100 किलो बेच ले तो 100 रुपया भे गलो। अब 100 रुपया के अगर सरकार कह लो कि 40 रुपया ओकर में हमरा दिए तो नहीं दबे की दतले की, सेम कहानी तखन हल हुआ कि हल तखन 1 रुपया अगर अनाज उपजोल थे तो अंग्रेज सरकार मांग कर ले कि 60 पैसा तुम लोग को हम लोग को देना पड़ेगा, मतलब कि खेत तोर बारी तोर जकर में कोड़ के कढ़ा करके तो खेत बने ले ओकर में 40% यानी 40 पैसा ओकरा दिए भतलो। तो झारखंड के लोग ओकर में विद्रोह कर दल थे, उलगुलान कर दल थे कि जब खेत मेरा है, बारी मेरा है, सब्जी मेरा है, तो हम लगान तुमको क्यों देंगे। तो 1767 ईस्वी में जब आंदोलन होले ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह इसलिए भेल कि हमने जल जंगल जमीन के बचवे खातिर कि हमारा खेत है तो हम टैक्स नहीं देंगे। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1773 में एक विद्रोह हुआ, चौहाड़ विद्रोह, जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ। किस लिए? इसीलिए कि जंगल मेरा है, ये जमीन मेरा है, जैसे आए तो नहीं भैलवा तोड़ल पर में जाए ना, तखन भैलवा तोड़ल जीतले, चाहे कैन तोड़ल जीतले, चाहे प्यार तोड़ल जीतले, तो अंग्रेज सबके तोनी के पैसा दिए भतलो कि भैलवा बेच के अगर 100 रुपया कमेल है तो 60 रुपया ओकरा दिए भतलो। अभी भैलवा तोड़ के ककरो दो है कि, भैलवा बेच के ककरो दो है कि, लेकिन तखन दिए भेबोल। तो झारखंड के लोग विद्रोह कर दिले, एहन ये झारखंड के धरती पर लगभग हमने 150 लड़ाई लड़ लिए। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी के विद्रोह, 1820 ईस्वी में कोल विद्रोह, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह, और 1900 ईस्वी में लास्ट ककर विद्रोह, बिरसा मुंडा के विद्रोह। बिरसा मुंडा के जब विद्रोह भेले तो बहुत व्यापक भेले, अगर से पहले एगो कानून बनेले लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस की बनेले ले कि जगह तोर लगो, जमीन तोर लगो, एक अस्थायी बंदोबस्ती नाम के कानून लाल ले, और कानून में कह दल के जगहवा तोड़ लगो, जमीनवा तोड़ लगो, लेकिन की कर ले, सर्वे कराए के वो पट्टा जो है, वो कागज जो है, वो दूसर आदमी के हाथ में दे दल के, यानी जमींदार के लाइन के बंगाल से बिहार से लाइन की ही एकरा बसाए दल के, और कहल के कि अगर 100 रुपया कर में कमाए हो तो 60 पैसा अंग्रेज के देना हो, और 20 पैसा में तोरा लठेत रखना हो, और अगर कोई लगान नहीं देना हो तो ओकरा जाके पीटना हो। मतलब अंग्रेज हलो क्यों जी, ओखनी जानो हल तुम कि फूट डालो और राज करो, तो अपने की गलत भारत के लोगों को भारत से ही लड़ाई गलत कि हमारा मरना कटना ना हो तो हनी वसूल और हमारा दे, हमार जेब में दे। तो तिलका मांझी इस आंदोलन में कूद पड़ ले, मतलब इस कानून के विरोध कर ले, और 1900 ईस्वी में व्यापक आंदोलन कर ले। व्यापक आंदोलन करने के बाद की भले कि जब अंग्रेज सरकार देख ले कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि झारखंड में जांच किया जाए कि इतना कानून क्यों जरूरी है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, और कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि झारखंड के जो लोग हैं बहुत भोले भाले लोग हैं, अगर इनके जमीनों को सुरक्षित नहीं किया जाए, अगर संरक्षित नहीं किया जाए, तो इनके जमीनों को बाहरी लोग हड़प लेंगे। तब हमने के पहला सर्वे, आप सुनिए कि हमने खतियान के लगो, यहीं से खतियान हमने के शुरू हुआ। तो पहला सर्वे हमने शुरू होला 1902 ईस्वी में, खत्म होला 1905 ईस्वी में, जकरा हमने बोला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यानी CNT। इस CNT कानून के धारा को है 46 के क को है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों का जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। लेकिन अभी हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रहा है, थाना और जिला के बैरियर को ही हटा दे रहा है। अब आप बताइए, थाना का बैरियर रहते हुए भी, जिला का बैरियर रहते हुए भी, हमारा रांची का जमीन, बोकारो का जमीन, धनबाद का जमीन, जमशेदपुर का जमीन सारा बिक गया। अगर थाना और जिला का बैरियर हट जाएगा तो क्या हमारे पास जमीन बचेगी, बचेगी क्या, नहीं बचेगी। इसलिए उसके बाद हमारा दूसरा सर्वे हुआ 1932 में, जहां हमारा खतियान इशू हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी पहचान 1932 का खतियान, यही हमारा खतियान है। तीसरा 1954 में, चौथा 1964 में। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी का आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसके बाद उसके आधार पर नियोजन बनाया जाए।
अब देखिए अगर तोरा पहचान ना मिललो और सरकार की कर लो कि नौकरी निकाल दल को की भेतो। अच्छा ऐसे समझा इस बात के, गोनियाटो पंचायत के लिए एक वैकेंसी निकलते कि अगर 100 को नौकरी निकल लो तो 90 को नौकरी गोनियाटो पंचायत के लोग के दिल जीतो। तो पहले पहचान करबन कि गोनियाटो पंचायत के लोग लगे। जैसे अभी देख ले जो यहाँ करा कार्यक्रम करा रहा था वो सब एगो कार्ड लगे ले थे, एक आईडी कार्ड लगे ले थे, कही ले इतना पहचान हो कि अपने वॉलंटियर लगते है खातिर। अगर अपने आईडी कार्ड ना लगे ले रहता तो की भेतलो कि सब पता ही ना चलते के वॉलंटियर लग लो पता चलता ना कि। उसी तरह से गोनियाटो पंचायत के लिए मान जाए एक नियम बन जाए कि 100 को में 90 नौकरी अगर गोनियाटो पंचायत के लोग के देना है पहले पहचान करबे ना, और अगर पहचान ना करबे और नौकरी निकाल दिलिए तो की बताए कि हम लगे हो डुमरे के कोई आलो गिरिडीह से कि कहते तुम नौकरी लेते कि नहीं लेते लेते कि नहीं। जैसे तोर दुगो आँख वैसे हमरो दुगो आँख, जैसे तोर दुगो हाथ वैसे दुगो हाथ हमरो, तो पहचान कैसे भेतो कागज के आधार पर भेतो बुझले। तो यह टा लगो हमने के पहचान। और देखिए अभी तोने के 5 किलो राशन मिलो 21 किलो राशन मिलो, तो राशन मिले खातिर भी तोने के की चाहिए राशन कार्ड चाहिए, और राशन कार्ड ना रोत की तो राशनवा दे दो तोने के नहीं दो। तो जब राशनवा 5 किलो राशन खातिर भी आईडी कार्ड चाहिए तो इतना बड़ा नौकरी खातिर वीडियो सीओ के नौकरी खातिर ओकर खातिर पहचान चाहिए कि नहीं पहचान चाहिए। अब पहचान ना मिले के कारण की हो, आज हमने गुजरात से आया हो लोग, महाराष्ट्र से आया हो लोग, उत्तर प्रदेश से आया हो लोग, बिहार से आया लोग, सब हमारा नौकरी को ले जाता है। उदाहरण के तौनी समझिए, यह बोकारो जिला में भी 7 दिन पहले अभी वैकेंसी भेलो, ओकर में 13 गो में 9 गो बाहर के लोग के नौकरी भेज गेलो। गिरिडीह में 12 गो नौकरी भेलो, ओकर में 8 गो बाहर के लोग के भेज गेलो। पलामू में 37 गो टीचर के वैकेंसी हलो, ओकर में 35 गो बाहर के लोग के भेज गेलो। तर हुआ करा पूर्वी सिंहभूम में 26 गो टीचर के वैकेंसी भेलो, ओकर में 21 गो बाहर के लोग के भेज गेलो। अब सोचिए कितना परसेंट बाहर के लोग नौकरी दे गेलो। अगर दोसर गोट नौकरी ले जितो, बाहर के लोग नौकरी ले जितो, तो तोर बाल बच्चा कहाँ जितो, तोर बाल बच्चा बम्बई जीतो, दिल्ली जीतो, कलकत्ता जीतो, की करतो जाके वहां कर ड्राइवरी करतो, झाड़ू करतो, पोछा करतो, कमियां करतो, बंधुआ मजदूरी करतो। तो नहीं चाहो कि ऐसी स्थिति रहो, तो नहीं चाहे कि तो बदलाव होवे चाहे कि ना होवे चाहे। अब हमने सरकार